दिल्ली एनसीआर में इन दिनों जहरीली हुई हवा जहां शासन और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, वहीं एनजीटी भी इस दिशा में आए दिन अपने निर्देश जारी कर रहे हैं। दिल्ली में डीजल वाहनों के घुसने पर एक तरह से रोक लगा दी गई है और पुलिस को भी इस मामले में सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच रोहतक से संसदीय कमेटी सीट से सांसद डॉ अरविंद शर्मा ने भी जहरीली हुई हवा को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि शासन और प्रशासन इस आबो हवा को ठीक करने के लिए समय समय पर अपना अभियान चलाता है, लेकिन वो ये भी कहना चाहेंगे कि जब तक आमजन की इसमें भागीदारी नहीं होगी, इस पर सफलता पाना नामुमकिन है। सारी चीजों का, सफाई अभियान, पॉल्यूशन का है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सारे अभियानों में जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है हर चीज में, और जनता की भागीदारी से हम बहुत चीज़ों पर काबू पा सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझ करके, जब लोग समझने लग जाएंगे, तब जा करके कोई काम बनता है। कोई भी देश उन्नति तभी करता है जब उसका आम नागरिक के उसकी में समझ में आए। तो मैं समझता हूँ कि इससे पोल्यूशन का तो देखो कई कारण हैं, आप भी सारा समझते हैं। तो ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, आप देखो दिल्ली के अंदर हर साल लाखों लाख व्हीकल जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये सारा ट्रैफिक की वजह से भी है, बहुत सारे रीजंस हैं। और लेकिन सरकारें आपस में काम करके, मेल मिलाप से काम करके कोशिश कर रही है। सीईटी परीक्षा को लेकर जहां एक तरफ प्रशासन और विभाग ने पूरी तैयारी और सहयोग करने का दावा किया था, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई दी। पानीपत के एसडी कॉलेज परीक्षा केंद्र से बाहर आते परीक्षार्थियों ने कॉलेज स्टाफ पर सहयोग न करने का आरोप लगाया। साथ ही परीक्षार्थियों ने यह भी साफ कर दिया कि प्रशासन की तैयारियों में कहीं न कहीं कमी जरूर रह गई। जमीनी स्तर पर विभाग के दावे हवा हवाई साबित हो गए। पता नहीं चल पा रहा था, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ऐसी इस तरीके की व्यवस्थाएं सही तरीके से होनी चाहिए ताकि कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चलिए, आप अपने बारे में तो कुछ है उम्मीद, हो गए ठीक पेपर? हाँ, अच्छा प्रयास किया है पर टाइम बड़ा कम मिल पाया है। रेवाड़ी जिले में 9 और 12 नवंबर को होने वाली पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए बावल में जिला पुलिस, आईआरबी और हरियाणा आर्म्ड पुलिस टुकड़ी द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालते हुए लोगों से भयमुक्त मतदान करने की अपील की। वहीं उन्होंने असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को लेकर पुलिस को सूचित करने के बारे में भी आमजन से अपील की। फ्लैग मार्च आज बावल क्षेत्र में किया गया है। मुख्य उद्देश्य है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना और एक संदेश देना कि जो पुलिस जो फोर्स है और जिला जो प्रशासन है वो पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए, और कोई भी नॉन सोशल एलिमेंट जो कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा पहुंचाएगा उसके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, अभी पिछले पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं जिसमें पिछले 9 जिलों में झगड़ा भी हुआ, तो उस तरह का माइंड करने के लिए क्या कहेंगे? हमारी तैयारी पूरी है, जिसमें हमने जो बाहर से भी फोर्स बुलाई है, जैसे हमारी आर्म्ड पुलिस है और जो हमारी रिजर्व बटालियंस हैं उनको भी हमने बुलाया है। रेवाड़ी में 9 और 12 नवंबर को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में शहर के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार ने जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। चुनाव आगामी 9 और 12 नवंबर को रेवाड़ी जिले में हो रहे हैं, अधिक से अधिक मतदाताओं की भूमिका रहे, ज्यादा से ज्यादा मताधिकार का प्रयोग लोग कर सके, इसके लिए माननीय उपायुक्त श्री अशोक कुमार गर्ग के नेतृत्व में रेवाड़ी जिले में मतदाता जागरूकता मुहिम चल रही है, जिसमें हमारे जिले के सभी गांव को कवर किया जा रहा है, विभिन्न प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की प्रचार मंडली, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जो भी तंत्र आम जन तक पहुँचे उसका सदुपयोग करते हुए माननीय उपायुक्त महोदय ने एक अपील भी जारी की है, जिसमें आमजन से अपील की गई है कि हमें सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। भिवानी के हनुमान ढाणी में देर रात आधा दर्जन से ज्यादा युवकों ने एक सोना चांदी के व्यापारी की तेज धार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि व्यापारी राहुल की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। दोस्तों ने घर में घुसकर तेज धार हथियार से राहुल के शरीर पर वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि राहुल के पिता के बयान पर मामला दर्ज किया गया है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हमें सूचना मिली है राहुल पुत्र रतन सिंह वासी हनुमान ढाणी को
कुछ लड़कों ने चक्कू मार के घायल कर दिया था। जो अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। उनके पिताजी की स्टेटमेंट लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसमें चार बाई नेम है, गोरन ने उनके साथ ही क्या रणनीति बताई। आपस में ये कुछ कहा सुनी हुई टेलीफोन के ऊपर दोस्त थे, इस बात पर इनकी कहा सुनी हुई है तो वही तफ्तीश में ही पता लग पाएगा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।